दी, अगले हफ्ते मेरे बर्थडे पर तो छुट्टी ले लो ना प्लीज। आई एम सो सॉरी कायरा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। और छुट्टी लूंगी ना तो सैलरी भी कटेगी। नॉट पॉसिबल। पैसे पैसे पैसे। हाँ कायरा, पैसा जीने के लिए ना पैसा बहुत जरूरी है। उस दिन अगर हमारे पास सिर्फ 500 रुपए होते ना, तो वो ट्रक वाला मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाता और वो रोड में ऐसे तड़प तड़प कर मरते नहीं। तुम्हारा पोलियो, उसका इलाज हम लोग करवा पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा कायरा, मैंने पैसे का मीनिंग समझ लिया है और अब देख मैं कितना पैसा कमाऊंगा। मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगी, फिर हमें ये सब झेलना भी नहीं पड़ेगा। हम दोनों ही है ना एक दूसरे के लिए, सो स्माइल स्माइल स्माइल। पागल, लेट करवाती है रोज रोज सेंटी करके। लीना, मैं गैली में फूड ट्रॉली चेक करके आती हूँ। चलेगा। हे हाय, आप हे हाय लीना, क्या हो रहा है? लीना क्या हुआ, मूड ऑफ है क्या? लीना, इतना ब्यूटीफुल चेहरा उतरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके कम ऑन, टेल मी क्या हुआ। विजय प्लीज डोंट टच मी प्लीज। ये नाटक ना मेरे सामने मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे पता नहीं है तुम्हारे और माया के बारे में। What? माया? लीना, ये सब बातें कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में? विजय, मैंने तुम्हें और माया को अपनी आंखों से देखा है, ठीक है? हाँ तो देखा होगा। Then what? She's just my friend. Just a friend जिसके तुम कमर में हाथ डाल के घूमते हो। तुम्हें क्या लगता है विजय मैं ये सब सहन करती जाऊँ, in spite of knowing कि तुम मुझे for granted लेने लग गए हो? लीना, come on. I never take you for granted. अगर मैं तुम्हें for granted लेता तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो सब चीजें करता जो मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ? I love you and I mean it. देखो विजय, I need some space. मुझे ये relationship को समझने के लिए थोड़ा space चाहिए, थोड़ा time चाहिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुमसे दूर जा रही हूँ, बस I just need time. और वैसे मैं थक चुकी हूँ, कभी ये माया, कभी श्रद्धा, कभी कोई। लीना, just stop it यार। What माया श्रद्धा? I'm saying that I love you यार। देखो विजय, मुझे लाइफ में अपनी प्रायोरिटी समझनी है, देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, और वैसे भी तुमसे बात करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। लीना, लीना मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता, और तुम भी नहीं। यू गॉट इट? छोड़ो मुझे। बुरा झगड़ा हुआ क्या? यार तुझे तो पता ही है वो कैसा है, गुस्सा हमेशा नाक में रहता है उसके, कुछ भी बोलो सीधा हाथ उठाना स्टार्ट कर देता है। Started getting so scared of him, यार। It's very simple, लीना। तुझे खुद से सिर्फ एक सवाल करना है कि उसके साथ रहते हुए तुझे खुशी मिलती है या नहीं, सिक्योरिटी की फीलिंग आती है या नहीं, एंड दैट्स इट। ब्लड नहीं रुक रहा है यार। एनीवेज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओह सी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही ना। आई मीन लुक एट यू, तू कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से है, और तूने बहुत बुरा वक्त देखा है यार। पूरी जिंदगी तूने पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो एटलीस्ट इतना तो देख। आई नो मैंने स्ट्रगल किया है, और मुझे पता है कि मुझे पैसे की वैल्यू है, लाइफ ने मुझे पैसे का मीनिंग समझाया है, लेकिन मैं उसके पैसों के लिए उसके साथ नहीं हूँ साशा। लाइफ ने मुझे पैसे की वैल्यू समझाई है, मेरे स्ट्रगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे नहीं लगा सकती। मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ ना यार, मैं कब तक सहन करती रहूँ? देख, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहना जिसकी खुद की लाइफ में स्ट्रगल हो, जो फाइनेंशियली खुद ही थोड़ा वीक हो, क्योंकि उससे मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बट नॉट लाइक दिस। एक पिज्जा और उसको गले से उतारने के लिए एक कॉफी, कितना हुआ? 600। 600 पैसे तो नहीं बोल रहे आप? पिज्जा रहने दीजिए, फिर तो कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ओके, हैव अ गुड डे। जेब में तो फूटी कौड़ी होती नहीं है,
आ जाते पिज्जा खाने, कंपनी की वजह से प्लेन में चढ़ा होगा। करेक्ट। यार मुझे पता है पैसा बुरा नहीं होता, इनफैक्ट बुरे वक्त में पैसा काम आता है। मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। यार आई अंडरस्टैंड यार, इन पैसे को लेकर एक बार मन में इनसिक्योरिटी आ जाए ना तो बहुत अंदर तक घुस जाती है। एंड आई रियली विश कि मैं विजय वाले डिसीजन में तेरी कुछ मदद कर पाती। एंड आई विश मेरे लिए इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे आएगा, कब आएगा, बट आई कैन वेट फॉर इट। नमस्कार, वेलकम टू ग्रेविंग एयरलाइंस। वेलकम टू ग्रेविंग्स एयरलाइंस सर। लीना, लगता है आपकी पहली फ्लाइट है इसलिए नर्वसनेस के मारे आपने अपना ये होट काट लिया। भाई साहब आप हटेंगे, दूसरों को जाने दें। जी नमस्ते, वेलकम। मिसलीना की स्माइल फेक है, पर क्यों? नमस्कार, ग्रेविंग्स उड़ान संख्या 326 में आपका स्वागत है। ये उड़ान दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 2 घंटों में तय करेगी। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, कृपया हमारे सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी बांधने के लिए सिरों को बकल में डालें और खींच कर कस लें। खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं और सिरों को अलग कर लें। कैबिन में हवा के दबाव में कमी होने पर ये नकाब स्वयं नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए इसे अपनी ओर खींचे और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। यदि आपात स्थिति में विमान को पानी पर उतरना पड़े तो रक्षा जैकेट आपकी सीट के नीचे रखी गई है। रक्षा जैकेट को सिर्फ द्वार के निकट ही फुलाएं। इसे और फुलाने के लिए नली में हवा भरें। कृपया अपने नजदीकी निकास को पहचानें। आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के लिए 2 द्वार विमान के पिछले भाग में हैं, 2 द्वार ओवरविंग भाग में हैं और 2 आगे की ओर हैं। कैबिन में बिजली चली जाए तो फर्श पर लगी आपातकालीन पट्टियों की मदद से अपने नजदीकी निकास तक पहुंचे। धन्यवाद। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, सॉरी। हेलो एवरीबॉडी, वेल हमारी आज की कहानी है लीना और समीर की। लीना वो जो अपनी लाइफ में एक प्यार, पैसे और खुशी का जो डेलिकेट बैलेंस होता है उस बैलेंस को बनाने की पूरी कोशिश करती है, एवरीथिंग दैट शी कुड। अपनी अर्ली लाइफ में उसने जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए थे वो उसे पुश कर रहे थे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ। बट माई क्वेश्चन इज कि क्या खुश रहने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी है? आई डोंट थिंक सो। और दूसरी तरफ समीर एक रेगुलर सेल्समैन,
और जैसे कि उसका नाम है हवा का झोंका, वो लीना की लाइफ में एक हवा के झोंके की तरह है और इनवॉलंटरली उसके चेहरे पे मुस्कान हमेशा लेकर आता है। लेकिन गाइस ये जो प्यार होता है ना ये बहुत ही अजीब चीज है। अभी अजीब कैसे हम आपको बताएंगे हमारे आज के एपिसोड में, तो कृपया करके अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि अपने टीवी ऑन कर लीजिए और तैयार हो जाइए हमारी इस विश्वास की उड़ान के लिए, अ फ्लाइट ऑफ बिलीव। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये आशिकी, को प्रेजेंटेड बाय वाइल्ड स्टोन, पावर्ड बाय कॉमन स्मार्ट। सर ये आपके अचारी पनीर सैंडविच, एंजॉय योर मील सर। तो सर आज की उड़ान में आप क्या खाना पसंद करेंगे? अब आप इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ पूछ रहे हैं तो जरूर खाना पसंद करेंगे। वैसे बोर्डिंग टाइम वाली फेक स्माइल और इस स्माइल में ना जमीन आसमान का फर्क है। वो जो स्माइल थी ना उससे आपका दुख स्पिल आउट कर रहा था। तो सर मैं आपको क्या दूं खाने में? सच पूछिए तो मुझे ना फ्लाइट के खाने के बारे में ज्यादा पता नहीं है और आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं है, तो आप ही कुछ सेलेक्ट करके दे दीजिए ना। बस आप पीनट्स नहीं होने चाहिए, वो क्या है कि पीनट्स से मुझे एलर्जी है। या ओके सर। ये आपका वेज बर्गर सर, ये लीजिए, एंजॉय योर मील सर। आई डेफिनेटली विल, थैंक्स। लीना की स्माइल फेक है, पर क्यों? लीना की स्माइल फेक है, सही तो कह रहा था, अपनी झूठ में सड़ रही है पागल। अरे भाई साहब देखिए ना क्या हुआ इन्हें। अरे कोई डॉक्टर है फ्लाइट में? भाई साहब सर आप लोग प्लीज बैठ जाइए सर, प्लीज डॉक्टर चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे प्लीज। सब सब साशा रिलैक्स 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 रिलैक्स। क्या हुआ लीना? जल्दी से इमरजेंसी किट लेके आओ प्लीज। ओके अभी लाती हूं सर। रिलैक्स रिलैक्स सर रिलैक्स। पीनट बटर और आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं है, तो आप ही कुछ सेलेक्ट करके दे दीजिए ना। बस आप पीनट्स नहीं होने चाहिए, क्या है कि पीनट्स से मुझे एलर्जी है। आई थिंक पीनट बटर की वजह से इनको एलर्जी हो गई, इन्हें बूस्टर देना पड़ेगा। सर बस एक मिनट सा हो गया। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, मगर मेरी जान लेने का प्लान भी तो आप ही ने बनाया था ना। I'm so sorry sir, but I didn't mean to. It's okay. I'm just kidding. लेकिन पता है, अगर आप मेरी ऐसी जान बचाती रहे ना, तब जितनी बार चाहे मेरी जान लेने का प्लान बना सकती हैं। लेकिन उसके बाद ऐसे ही बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दीजिएगा। सर, आप बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। वो तो मैं। और इस पागल की एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, आप ना हंसा ज्यादा कीजिए, फेक वाली नहीं ये वाली, असली वाली स्माइल। पता है आप जब असली में मुस्कुराती है ना तो आप और खूबसूरत लगती है। अच्छा। नमस्कार, मैं आपका कप्तान सुहेल बोल रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट में किसी तकनीकी परेशानी की वजह से इस उड़ान को जयपुर में कुछ घंटे रुकना पड़ेगा। हम लगभग 45 मिनट में वहां लैंड करेंगे और 5 घंटे बाद यही एयरक्राफ्ट दिल्ली की ओर रवाना होगा। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आपके पूरे कोऑपरेशन की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद सर। यू टेक रेस्ट, मैं भी आती हूँ। लेकिन मेरी अर्जेंट मीटिंग है। आई अपोलोजाइज सर, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा लेकिन कैप्टन ने डिसीजन पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ही लिया है। प्लीज सर।
अभी तक नाराज हूं उससे। I'm seriously sorry यार, मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था यार, but I didn't mean it यार। But हाँ एक बात, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ तुम ही हो यार, just trust me। वो मैं तो तुम्हें बताने भूल गया, मैंने कायरा के लिए एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर देखी थी, जाते वक्त तुम उसे भी ले लेंगे। हाँ मुझे खरीदने की कोशिश मत करो विजय, प्लीज। लीना तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये साबित हो जाए दैट आई लव यू? हाँ बस मेरे साथ रहो, जब मुझे जरूरत है मुझे सपोर्ट करो, लेकिन पैसों से नहीं दिल से। सपोर्ट? हाँ कम ऑन लीना, तुम भी ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जानती हो कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार, नथिंग एल्स। शट अप विजय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, और अब तो मुझे ये सब भी गलत लग रहा है। गलत? क्या क्या गलत लगता है तुम्हें? हाँ मिस लीना, कल को जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना और मैं तुम्हें देने के लिए राजी हो जाऊं, तब देखना तुम मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचोगे। यू गॉट दिस? और वैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए वो है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और मैं ही हूं जो तुम्हें। आई होप यू आर फाइन सर। मच बेटर। मिस लीना, इन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज टेक केयर। श्योर सर। थैंक यू। सर आपके लिए कुछ लेके आऊं? क्या मैं तुम्हें लीना बुला सकता हूं? तो लीना, ये लाइफ जब अगर खट्टे नींबू दे रही हो ना, तो उसका नींबू पानी बना के गले से गटक लेना चाहिए, अनलेस तुम्हें नींबू से एलर्जी। यही था वो जिसने तुम्हें? ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है सर, आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं आपको लाके देती हूँ। तो मेरी एक बार बात तो सुनो सर, यहाँ पर पैसेंजर्स अलाउड नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज सर, अगर आप नहीं लौटे तो मुझे कैप्टन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक बार मेरी बात तो सुनो। एक बार खुद को देखो, मुझे एक अजनबी होते हुए साफ दिखता है तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लीना तुम आजाद नहीं हो, खुद में घुट रही हो तुम। और सच पूछो ना, तो मुझे तुम्हें ऐसे देख के ना अच्छा नहीं लग रहा है। पर आपको मेरी लाइफ से क्या वास्ता है सर? वास्ता है पता नहीं क्या वास्ता है, लेकिन मुझे तुम अच्छे लगने लगे। एंड आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। हमें कुछ घंटे भी नहीं हुए मिले, अभी कुछ देर पहले हमने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। वाह जानता हूं, पर मैंने कहीं ये भी सुना है कि जो प्यार होता है ना, इसे होने में सदियों की जरूरत नहीं होती, एक पल काफी होता है। होने को तो पलक झपकते हो जाता है, और फिर नहीं होना तो नहीं होता। पर मुझे तो हो गया। अच्छा मेरा एक प्रपोजल है, देखो घबराओ मत, शादी का प्रपोजल नहीं है, मतलब एटलीस्ट अभी तो नहीं है। मेरा एक प्रपोजल है लीना, कि ये जो जयपुर में हमें 4 घंटे मिले ना, ये तुम मेरे साथ बिताओ। आई प्रॉमिस, ये 4 घंटे ना तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। और हाँ लीना, ये जो पैसा होता है ना, ये जिंदगी में जरूरी नहीं होता है। प्लीज
इस ट्रैप से खुद को बाहर निकालो. जस्ट फ्री योरसेल्फ लाइक अ बर्ड. जस्ट फ्लाई गे फ्री. ओके, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा. टेक अ टाइम. So do you guys believe in love at first sight? क्योंकि समीर को लीना से love at first sight हुआ था, पहली नजर में प्यार. लेकिन unfortunately लीना अपनी खुद की situations में बहुत ही ज्यादा फंसी हुई थी, बहुत ज्यादा उलझी हुई थी अपनी लाइफ में. It's because उसका relationship with विजय ना तो सिक्योर था और ना ही हेल्दी. Now ये बात वो कहीं ना कहीं समझ चुकी थी. And she herself wanted to opt out of the relationship. वो खुद इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी. और दूसरी तरफ समीर जो लीना से इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि वो किसी भी हालत में उसे इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहता था. ही जस्ट वांटेड टू सी हर हैप्पी, कि वो खुश रहे. लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या लीना की आजादी पॉसिबल थी, या मोर ओवर क्या वो रियलिस्टिक थी? लीना जी, मुझे लगता है कि हमें जो 4 घंटे मिले हैं, हमें एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहिए. Are you serious? Yeah. देखो, मैं बहुत थकी हुई हूँ. And I'm wearing this uniform. I'm really uncomfortable. I'm sorry. लीना जी, लेकिन आप चाहें तो आप फ्रेशन होके रेडी होके आइए, और इस बहाने मैं भी थोड़ा रेडी होके आ जाऊंगा. देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं तुमसे मिलूंगी, फिर तुम मेरे पे खर्चा करोगे और फिर उसके बाद में आपको बताए वो तो मैं चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ ये 500 रुपये. लेकिन मेरे लिए ना ये काफी से भी ज्यादा है, और मैं इन्हीं पैसों में तुम्हें इस दुनिया के पूरे चक्कर लगवाऊंगा. अच्छा? दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्रेस पहनवाऊंगा, बेस्ट कॉफी पिलाऊंगा, और तो 4 अलग अलग क्यूजींस का डिनर करवाऊंगा. अच्छा, ट्रस्ट मी. वैसे लीना, तुम क्या किस्मत पे यकीन रखती हो? नहीं, मैं भी नहीं रखता. लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये किस्मत ना हमसे कुछ कहना चाह रही है. अब देखो ना, जिस तरह से हम मिले, जिस तरह से तुमने मेरे खाने में जहर डाल के मुझे मारने के, अच्छा जोक, जस्ट किडिंग, मेरा मतलब जिस तरह से तुमने मरते हुए समीर बग्गा की जान बचाई. Exactly. और अब ये किस्मत ही तो है कि हमें एक साथ बिताने को 4 घंटे मिल गए. सो प्लीज लीना, ये 4 घंटे मुझे दे दो. अब तो तुम मेरा नाम भी जानती हो, समीर. तब तुम्हें मुझे सर बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. हाँ, यू नो व्हाट, आज तक जिससे मांगा है मैंने मांगा है, मुझसे किसी ने कुछ नहीं मांगा. इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. वैसे मुझे पता ही था कि तुम आओगी. वो क्या है ना कि समीर बग्गा का ना चाम ही कुछ ऐसा मिला. अच्छा अच्छा, सो लेट्स कम टू द पॉइंट, लेट्स बिगिन द राइड, अ क्रेजी राइड. राइड. ट्रस्ट मी, कम ऑन. Don't worry, enjoy.
देखा था ये? देखा? लगवा दी ना तुम्हें पूरी दुनिया का चक्कर। दुनिया का चक्कर? हाँ। I know that. पर तुम हंसी तो सही और स्माइल भी आई असली वाली। कम समीर। कम लीना। कहाँ? कम कम कम। क्या कर रहे हो समीर? तुम्हें क्या? अब इनमें से कोई एक ड्रेस चूज करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। समीर कम ऑन। नो प्लीज। नहीं नहीं मैं समीर क्या करवा रहे हो? ओके अच्छा लीना वो रूम देख रही हो? हाँ वहां जाओ और इसे पहन के आओ। समीर नो प्लीज। वो मैं कैसे पहन सकती हूँ? मेरी ड्रेस नहीं है क्या? प्लीज एक बार पहन लो ना प्लीज मेरे लिए प्लीज। वाह तुम कितनी सुंदर हो लीना। समीर एक मिनट। समीर क्या? प्लीज प्लीज एक बार स्माइल करो ना असली वाली मेरे लिए। देखो कितनी सुंदर लग रही हो। ठीक है लेकिन 500 रुपए में तुम ये ड्रेस खरीदोगे कैसे? हाँ मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें सबसे सुंदर ड्रेस पहनवाऊं और वो तो तुमने पहन ली ना राइट? और उन फोटोज के जरिए तुम्हें हमेशा याद भी रहेगी। You're weird, Samir. You're just weird. Thank you for you. एक मिनट सिर्फ पियो मत पूरा मजा लो। पता है लीना जिंदगी में तुम जो भी खरीदोगी वो तो तुम्हें मिलता ही पर हमें उसका असली मजा कैसे लेना होगा वो हमें खुद सीखना होगा। पता है जिंदगी में ना सबसे ज्यादा मजा जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में मिलता है ये पैसों से खरीदी हुई चकाचौंध में नहीं। अच्छा वो छोड़ अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी का गोल क्या है तो ऐसी कौन सी पहली चीज है जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आती है? एक अच्छी लाइफ। आई मीन अगर लग्जरियस ना भी हो तो एटलीस्ट कंफर्टेबल। ओह कंफर्टेबल लाइफ ओके। सी समीर मेरा परिवार बहुत गरीब था। इनफैक्ट गरीबी की वजह से मेरी मम्मी पापा की जान गई है। मेरी बहन को पोलियो गरीबी की वजह से हुआ। मैंने अपनी पूरी लाइफ ना गरीबी को हराने में ही बिता दी है। एनीवेज तुम बताओ तुम्हारा क्या गोल है? मेरा हाँ मेरी जिंदगी का तो यही गोल है कि ये जो तुम्हारा चेहरा है ना इस पे हमेशा स्माइल पर असली वाली। हाँ देखो मेरा गोल तो कितना क्लियर है बट तुम्हारा ना लीना थोड़ा वेग है। तुम ही बताओ कंफर्टेबल जिंदगी का मतलब क्या है? कंफर्ट खुश होने से आता है या अमीर होने से?
जा रहे हो? ओ गॉड समीर, समीर ओके दिस इज ब्यूटिफुल। मिस्टर बग्गा, लेकिन तुम तो मुझे कुछ चार डिफरेंट टाइप्स की क्यूजीन करवाने वाले थे, डिनर कराने वाले थे, कहाँ गया ये सब? तो देखो ना, ये चार अलग अलग तरह के चिप्स अलग अलग देशों से हैं, तो हो गया ना चार क्यूजीन। यू आर सच अ चीटर, नो सच अ चीटर। अच्छा, बट यू आर अ चार्मिंग चीटर। वेल थैंक्स फॉर दिस न्यू नेम, चार्मिंग चीटर, नॉट बैडली ना। और हाँ, तुम्हारे तो पूरे 500 रुपए भी खर्च नहीं हुए। अरे लीना, अब सवाल ये नहीं है कि मैंने कितना खर्चा किया या क्या खर्चा किया, सवाल ये है कि हमने क्या किया और कितना मजा किया। देखो लीना, मुझे तो बहुत मजा आया, तुम्हें मजा नहीं आया? नहीं, मजा तो मुझे भी बहुत आया, पर समीर हम रोज रोज ऐसा मजा नहीं कर सकते। देखो तुम बहुत अच्छे हो, पर मुझे ऐसा लगता है ना, तुम थोड़े बचकाने हो, आई मीन तुम कभी सीरियस ही नहीं होते हो। अच्छा वो छोड़ो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, बट प्रॉमिस है तुम आंखें बंद रखोगी और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत, प्लीज। समीर हमें फ्लाइट के लिए लेट हो रही है, हमारे पास ये सब हरकतों के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं। अरे प्लीज प्लीज, बस 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 बस, ये आखिरी बार, प्लीज आखिरी बार, आई प्रॉमिस। आंखें बंद करो ना। Okay, now? What? Sameer, मैं गिर जाऊँ। Sameer, अभी मैं आँखें खोल रही हूँ। No, no, Sameer, just please. Wait. Shh, wait ना. अच्छा ठीक है। Sameer, we are getting late. क्या? पता नहीं क्या कर रहे हो समीर, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। Wow, this is really pretty, Sameer. चुरा के तो नहीं लाए? No, no. And I'm glad that you liked it. This is very beautiful. कर रहे हैं और ये तुम्हारी चॉइस, ये छोटा सा सेल्समैन जिसे तुम्हें गिफ्ट देने के लिए अपना लैपटॉप बेचना पड़ा है और वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये संभालेगा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आएगा इमरजेंसी में काम तुम्हारे। विजय लीना से तमीज से बात। यू जस्ट शट अप। हेलो हेलो, हम मुंबई के सेंट्रल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपकी बहन कायरा व्हीलचेयर से गिर गई है। व्हाट? हमें अभी इसी वक्त उनका ऑपरेशन करना होगा, आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के अकाउंट में 75,000 रुपए ट्रांसफर करने होंगे, तभी हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। लीना क्या हुआ? सब ठीक है? कायरा गिर गई हॉस्पिटल के अकाउंट में 75,000 जमा कराने। हाँ तो 75,000 चाहिए ना, मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। ओके प्लीज विजय, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज। Not reachable. लीना तुम फिकर मत करो, मैं ट्राई करता हूँ। लीना ये बेफिजूल की बातें सोचने का वक्त नहीं है, इस वक्त कायरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम यहाँ से जल्दी चलो, मैं सब अरेंजमेंट करता हूँ। हेलो तुम जाके लॉबी में वेट करो, मैं सब अरेंज करके आता हूँ। थैंक्स विजय, पर मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। I'll manage on my own. Lina, Lina.
लीना की लाइफ एक बार फिर से एक क्रॉस रोड पे आके खड़ी हो गई थी। उसने बहुत समय के बाद खुशियां देखी थी, शी वाज स्माइलिंग। उसने समीर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन इससे पहले कि समीर कोई बात को आगे बढ़ा था, लीना की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके फिर से खड़ी हो गई। शी नीडेड हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प। नाउ ये जो फाइनेंशियल हेल्प थी वो विजय से लेने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। देयर वाज समथिंग दैट वाज स्टॉपिंग हर। अब वो क्या था जो उसे रोक रहा था विजय से मदद लेने की? टाइम विल टेल, लेट्स सी। अभी विजय से पैसे लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास लीना, क्योंकि कायरा तुम दोनों के झगड़े से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यार वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे विजय से पैसे नहीं ले, कैसे भी करके अरेंज कर दूंगी। आई डोंट नो। पर वो तुम्हारी केयर ही तो कर रहा है। केयर कर रहा है यार, लेकिन पैसों से, दिल से नहीं। अभी खुदगर्जी जाग रही है मैडम, लेकिन देखना जब इमरजेंसी में मेरी जरूरत पड़ेगी ना कि सिर्फ मैं ही काम आऊंगा, दौड़ती हुई चली आएगी मेरे पास। वैसे अपना तो फंडा ही क्लियर है डूड, पहले जरूरत क्रिएट करो, फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए टाइम पे अपीयर हो जाओ और बन जाओ स्टार। वैसे तेरी हॉस्पिटल वाली कॉल बहुत रियल थी डॉक्टर सोहेल। शुक्रिया शुक्रिया। एक्टर अच्छा है तू। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने हार्टलेस हो तुम, किसी के इमोशंस के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा धोखा, वो भी उस इंसान के साथ जिसे तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। Just relax. इतना घिनौना काम कर कैसे सकते हो तुम? How dare you to touch me? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तो कॉरी के सेल्समैन तू पायलट से मंगा लेगा? Hey you, just go and call the security. वो ही इसे जेल भेजेंगे। Now you just pay and boss. क्या हो रहा है यहाँ पर? नीना, तुम्हारी बहन की कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी, वो जो कॉल थी ना वो एक झूठी कॉल थी, जो कि इस विजय के कहने पे इसके को पायलट ने की थी। हो गया। हाँ नीना, ये सही कह रहा, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया था। अगर खुदा ना खास्ता कल को कुछ तुम्हारी बहन को हो जाए तो ये दो कौड़ी का सेल्समैन क्या तुम्हारी बहन को बचा पाएगा? जस्ट टेल मी। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। पता है मुझे आज तक लगता था कि तुम्हें सिर्फ गुस्सा है, पर दिल के तुम अच्छे इंसान, और इसीलिए शायद मैं इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रही थी। पर ये घटिया हरकत करके ना तुमने सब क्लियर कर दिया। बहुत ही घटिया इंसान हो विजय, बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान। पायलट का किस पैसेंजर के साथ झगड़ा हो रहा था? पायलट से पैसेंजर नहीं ऑफिसर, मैं झगड़ा कर रही थी। हमें इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, आप दोनों इस फ्लाइट में नहीं जा सकते। ऑफिसर जस्ट स्टॉप, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही। सारी गलतफहमी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो जाएगी, आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। ठीक है ऑफिसर, चलिए। हेलो। हेलो, क्या मैं लीना कपूर जी से बात कर रहा हूँ? जी जी मैम, हम सेंट्रल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। किसी ने आपकी बहन कायरा के नाम से कुछ पैसे जमा कराए थे, लेकिन वो एडमिट हुई नहीं। किसने जमा करवाए थे पैसे? जी किसी समीर बग्गा ने। समीर? जी मैम, तो हम उन पैसों का क्या करें? मैं आपसे हॉस्पिटल आके बात करती हूँ। ओके मैम। क्या हुआ दी?
समीर, समीर, तुम पागल हो? हाँ, तुम्हारे प्यार में। सो फाइनली प्यार की जीत हुई और लीना को अपनी आजादी मिली और लीना अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए और एक नई उड़ान भरने के लिए वो कंप्लीटली रेडी। सो ऑन अ नोट ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, जस्ट अ थॉट कि समीर जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता, उसके जैसा इंसान जो जिंदगी को मटीरियलिस्टिक तराजू में ना तोल के जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह जीने की कैपेबिलिटी रखता। दैट मैन वॉज डिफरेंट, नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट। एंड आई थिंक कि वो प्यार ही है जो जो इंसान को अपनी किसी भी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल के एक नई उड़ान भरने के लिए रेडी करता है। दैट्स व्हाट लव इज ऑल अबाउट। एट द एंड ऑफ द डे माय फ्रेंड, लव इज व्हाट इज ट्रूली लिबरेटिंग। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड। तब तक के लिए कीप फॉलिंग इन लव। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।